गई तो मैं तो ये चाहता हूं मेरी बात को सुन सको। अब तुमको इस तरह से सुख मिलने वाला नहीं है, ये हमारी बात को गांठ में बांधो। सुख का रास्ता दूसरा है, मेहनत करो। मैं कब कहता हूं कि खेती दुकान दफ्तर में न करो, मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ में और शाम को बच्चों की सेवा, ये दो ही तो ड्यूटी है। और क्या है, कोई अतिथि आ गया हो तो कभी कभी तो कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसको एक गिलास पानी एक टुकड़ा। अरे माताओं को कहा था कि जब तुम कभी खाना बनाना रोटी बनाना आटा जब गूंदना तो उसके पहले इतना सा आटा एक तोला डेढ़ तोला निकाल के हांडी में डाल देना, कोई भूखा कोई प्यासा कोई साधु कोई दरवाजे पर आ जाए तो तुमको कुछ नहीं। मुसलमान है हिंदू है काला है सांवला है गोरा है ब्राह्मण है कौन है, कपड़े पहरे नहीं पहरे उसको इतना आटा दे दूंगा। तुमको तो अपना काम करना, अरे तुमको सेवा करनी ये। लेकिन कुछ नहीं, बस जब कोई आया हे माता जरा सा हम भूखे हमको कुछ भिक्षा दे दे, उधर को मुकर लिया वो उधर मुख मा लिया समझ गए उधर चला जाए उधर चला जाए। अरे ये तो तुमको कैसे पूरा पड़ेगा। महात्मा तो इसी से आते हैं कि तुम में कुछ दया रहेगी कुछ तुम चिड़िया चुगाते रहोगे थोड़ा थोड़ा आदत बनाए रहोगे स्वभाव तो महात्मा आ जाएंगे तो उनसे अमोलक चीज मिल जाएगी तभी तो आत्म कल्याण होता। तो तुमने तो सब रास्ते बंद कर दिए, कैसे मिलेंगे। और संगा नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, संगा निवारण का कौन आएगा आपके पास। तो इसलिए आप लोग एक काम करो सब शाकाहारी हो जाओ, शुद्ध आहार अनाज सब्जी फल दूध घी का, अशुद्ध आहार मत कोई भी हो पशु पंछी आदमी। और देखो कोई कहता है अब तो बच्चे का बलि लेंगे, कोई कहता है हम उसका बलि लेंगे, कोई कहता है हम औरत का बलि लेंगे गाय और बकरे का बलि लेंगे। अरे भाई देवता कहता है कि तुम आकर के चढ़ाओ, तुम्ही ने तो कहा कि हम देवता पे चढ़ा रहे, तुम्ही ने तो कहा खुश हो गया अब इतने तुमने चढ़ा डाले। कल वो देवता कहेगा कि नहीं नहीं अब किसी को मत चढ़ाओ, अपनी माँ को ले आओ मेरे सामने गर्दन काट के चढ़ा दो, अपनी स्त्री को ले आओ और यहां चढ़ाओ आकर के और चढ़ा करके तुम खाओ। तो तुम कर लोगे ये काम, पहले सोचो। अरे शुद्ध आहार करो ए मनुष्य इंसानों ये सजा मिलेगी, तुमको ये मालूम नहीं है कर्म कर्जा है, ये बहुत कठोर सजाएं मिलती है, वहां कोई बचाने वाला नहीं, वहां तो लाखों करोड़ों मीलों तक आवाज जाती है रोने की थर्राते हैं उधर। तो महात्माओं ने जो ज्ञान में जो अपनी जीवात्मा को जगा के देखा है उससे उन्होंने बताया कि अरे भाई ऐसा काम मत करो नहीं तो वहां बड़े बड़े बादशाह राजा वहां पीटे जा रहे और उनको निकलने के लिए करोड़ों वर्षों तक मौका नहीं, ऐसा मत करो। तो साकार हो जाओ, एक बात शुद्ध आहार करो, अशुद्ध आहार से तो मन बुद्धि चित्त चंचल हो जाएगी। तो न रामायण की पढ़ोगे न गीता पढ़ोगे न मंदिर में पूजा करोगे न गंगा में स्नान करोगे, क्योंकि तुम्हारा मन बुद्धि चित्त चंचल और बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई। और बीड़ी तंबाकू तो पी सकते हो खा भी सकते हो, मैंने तो कभी खाया नहीं न पिया है, मुझे तो बीड़ी तंबाकू पता नहीं। पर जो बच्चे 20 साल के हैं अभी तक जिन्होंने बीड़ी न तो पिए न तंबाकू पिए न खाई, बच्चों आप लोग बीड़ी तंबाकू मत पीना, ये बुरी आदत मत डालना, ऐसा कोई नशा मत करो कि आपकी बुद्धि पागल हो जाए। पागल बुद्धि हो गई माँ को गाली बाप को गाली बहन को गाली लड़कियों को गाली बच्चों को गाली स्त्री को गाली मार दिया बगल में गाली पोस में और चले जा रहे हो जोर के साथ में और गड्ढा मिला झटका लगा और नीचे चले गए तो टांग टूट गई और सिर फट गया तो रोएगा कौन। अरे रुपया पैसा तुम्हारा खर्चा होगा, तुमने देखा क्या हालत। तो ऐसा कोई नशा न रामायण कहती है न गीता कहती है न कुरान न महात्मा बगीर कहते, और तुम लोग वही काम करते हो जो उनके विरोध में हो जो उनके खिलाफ। मुसलमान भी वही काम, न मोहम्मद को मानते हैं न कुरान को और न हिंदू रामायण को न गीता को न वेदों को मानते हैं उनके
ना वो गंगा जमुना गुरु देवी देवता विपरीत काम करते हैं। तो जो चीजें आपके लिए बताई है अब से समझो, नहीं तो ये समय जाने वाला है तो किराए का मकान है, ये समय पूरा होते ही मकान मालिक सनाक्षी आपसे ले लेगा और बस ये जमीन पर लेट जाएगा। इसको और क्या कर सकते, जला दो गाड़ दो, फिर इनके पीछे क्या करोगे, मोह ममता में रोलोगे, बस बात खत्म हो जाए। कौन था, कहां से आया, कहां चला गया, क्यों मिला, क्यों नहीं, अरे सोचो समझो, सेवा करो, ठीक है, बच्चे की हो, बच्ची हो, घर में पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, क्या हमारा दायित्व है, कर्तव्य है सेवा करने का, हम इनकी सेवा है हमारी से। कोई अतिथि आ गया उसकी सेवा कर दो, वो आपकी सेवा कर दे, आप उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ, और हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई छोटे बड़े सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के काम, सब बाधाएं व्याधाएं सब तकलीफें तुम्हारी धीरे से दूर निकल जाए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत काम आने लगो। तो फिर झंझट किस बात का, जहां सुमत घर में सुमत, समाज में सुमत, देश में सुमत, धर्म में कुमत, जहां सुमत तहां संपत नाना, और जहां कुमत घर में कुमत, समाज में कुमत, राज में कुमत और धर्म में कुमत, तो विपत निदाना, आप क्या करोगे। तो बच्चे बच्चियों, मैं अमोलक चीज आपको दूंगा, छोटी ये चीज कोई देगा नहीं, तुम घर में सब फूक कर और तुम ढूंढने निकलो तो नहीं मिलेगा, ये रुपए पैसे से आत्म धन, ये रूहानी खुदाई खजाना, ये दौलत के बांटने से नहीं मिलता कि चलो दुकान बना रखी है दे देंगे कि हमको आत्म धन दे दो तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं। वो जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी जब होती है उन महापुरुषों पर जो उसको प्राप्त करते हैं, वो फिर आदेश देते हैं कि इन मानव आत्माओं पर आत्म धन की बरसा कर, तब जाकर के अमूलक चीज ये मनुष्य मंदिर में चलते चलाते ये आपको मिलती है, और इसी धन से आत्म धन से ही जीवात्मा मरने के पहले मनुष्य मंदिर में जाग जाती है, और वो दरवाजा जिसके अंदर बंद है खोल देती है, तो यहीं से स्वर्ग में वैकुंठ में यहीं से जाने का रास्ता, इसी मनुष्य शरीर से सीधे वैकुंठ जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ जाओ, ब्रह्मांड में जाओ, यही से आने और जाने का रास्ता अपने घर में, ये तो परदेश है। पुण्य छिड़े मृतलोक, जब पुण्य छिड़ हो जाए तो स्वर्ग और मृत्यु, स्वर्ग और वैकुंठ से भी मृतलोक में आ जाते हैं, तो इससे ये पता है और आगे आपका घर है, ये भी घर आपका नहीं, ये भी घर आपका नहीं है। तो असल में बात यह है, ये जमीन शरीर के नीचे है और शरीर का आसमान ऊपर, और जीवात्माओं की जमीन ऊपर है और नीचे आसमान है, उल्टा है। तो तुम अपने घर से यहाँ, तुम यहाँ भेज दिए गए हो और यहाँ तुमको फंसा लिया इस मोह ममता में, इस जाल में, माया में, और तुम बहुत मुद्दत और सदियां और युग बीत गए या फंस गए रास्ता भूल गए, एक ही रास्ता आने का और एक ही वापस जाने का। अब मैं आपको अमूलक चीज दूंगा, उसको लीजिए आप, या हमारे यहां आदमी चाहिए, इंसान चाहिए, तुम जो जात पात का रगड़ा झगड़ा अपने पास रखो, मनुष्य को पूरा अधिकार इस कलयुग में भगवान के भजन करने का दिया गया, कोई भी अमीर गरीब छोटा बड़ा निर्धन, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बंगी हरजन, कोई आदिवासी, जिसको मनुष्य शरीर मिल गया उसको पूरा अधिकार, यानी मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को जगाकर भगवान के भजन करने का दे दिया, और कलयुग में इतना सुलभ, इतना सहज और आसान है कि सतयुग त्रेता द्वापर कुछ नहीं, भगवान की प्राप्ति कलयुग में होती है। और भगवान कैसे देखा जाता, जैसे आपको हम देख रहे हैं, आप हमको देख, लेकिन ये चर्म आंखों से नहीं, ये शरीर की इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, उसके लिए दिमाग चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, तीसरा नेत्र शिवनेत्र चाहिए आपको, आपके पास, और वो अगर कहीं शिवनेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि मनुष्य मंदिर में खुल जाए तो परमात्मा को आप ऐसे देख सकते हो जैसे हम आपको देखते हैं, आप
हम आपसे आपसे बात करता हूं, ऐसे उससे बात हो। लेकिन वो इस पंचभौतिक शरीर में नहीं है, वो इससे अलग है। लेकिन आपको इस शरीर से अलग होकर उसके पास पहुंचना होगा, तब दर्शन होगा, तब उसका दीदार होगा, ऐसे नहीं। तो मैं अमोलक चीज आपको देता हूं, इस जो दूंगा इसको कहते हैं आत्माओं के धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। ये आप चाहे चारों तरफ घूमोगे आपको मिलेगा नहीं, और घर बैठे मिला तो कहते हैं आप दरवाजे पर गंगा आ जाए तो खूब छक्कर के नहाओ। जब घर बैठे तुमको मतलब ये है कि ये आत्मिक जो संपत्ति ये भगवान की और खुदाई खजाना रूहों का मिले, तो खूब अच्छी तरह से दिल भोर कर उसमें स्नान करो, तो कलमल के ये सब क्लेश, कलमल की गंदगी ये सब धुल जाए, और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीव आत्मा शुद्ध साफ निर्मल पवित्र हो जाए, और निर्मल जन सो मोह पावे, मोह छिल छिद्र कपट नहीं भावे, मुझको कपटी और धोखेबाज दगेबाज और पापी नहीं पा सकता, निर्बल पा सकता किसमें, कलयुग में। सतयुग की बात और त्रेता द्वापर की नहीं, कलयुग की बात। और कलयुग में बहुत लोगों ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अमोलक चीज लीजिए आप, छोटी मोटी चीज नहीं, आपको बड़ी चीज देने आया, उसको लो। बच्चे और बच्चियों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सब धीरे से समझ में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं नाम दान, ये जीव आत्माओं के धन का दान है, इसको लो आप। उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, अपने अपने स्थान पर बैठकर ये पांचों अलग अलग बाजे बजाते रहते हैं। इनको हिंदी शब्दों में देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहत वाणी, गैप वाणी, मुसलमान कहते हैं आत्मानी आवाज, और कलमा और आयते, और अंग्रेजी शब्दों में इसको साउंड कहते हैं। इन्हीं बाजों को पकड़ाकर ये सारी जीवात्माओं का भंडार, एक छोटा सा रूहों का खजाना सतलोक से यानी इन बाजों के द्वारा उतार करके भेजा गया, एक बाजे से दूसरा, दूसरे बाजे से तीसरा, तीसरे बाजे से चौथा, और चौथे बाजे से पांचवा, सबसे नीचे वाला बाजा घंटा यहां उतार करके बाजों के द्वारा इन जीवात्माओं को लाया गया है। कहां पर? यहां जमीन पर, इस मृतलोक में, यहां पर। जब इनको यहां लाए तो नरेंद्र भगवान ने मसाला मिलाकर मां के पेट में खोल तैयार किया, खोल कहते हैं शरीर। जब पांच महीने का तैयार हो गया तो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मां के पेट में दोनों आंखों के बीचों बीच ये दरमियान में जीवात्मा को यहां पर ला करके बैठा दिया। इधर देखिए आप, जीवात्मा की आंख खुली है, जीवात्मा के कान खुले, और जीवात्मा की नाक खुली। ये मां के घर में ये सब बाजे सुनती है, ये जीवात्मा घंटा भी सुनती, जितने बाजे बज रहे सब सुन रही थे, और आंख से देख। जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चा घर से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब बच्चे बच्चियां सब विज्ञानी, और कर और ध्यान पर बैठा, सारी जीवात्माएं इन बाजों को पकड़ के एक बाजे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एक पलक में पकड़ के चढ़ गए सतलोक में, और वहां से इन बाजों के द्वारा एक पलक में उतर आए, चढ़ गए, उतर आए, चढ़ गए। दिन में कितने बार जाना, कितने बार आना, कोई पर्दा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न पाप की, न पुण्य की, न अच्छे की, न बुरे की, न न्याय की, न अन्याय की, न सत की, न वेद, न कथेब, न कुरान, न पुराण, कुछ नहीं। 1 लाख वर्ष की आयु थी इनकी, ये जो बैठे थे, 1-1 लाख वर्ष की आयु आपको मिली थी। रोज आते थे, रोज आते थे, और उस सतपुरुष का रोज दर्शन, दीदार करना, यानी निरंजन भगवान का
ब्रह्म का भी, पारब्रह्म का भी, महाकाल गर्भपोष का भी ये दर्शन करते हुए और सीधे वो सतपुरुष का दर्शन जो सच्चा अपना मतलब है कि बादशाह है, जो सच्चा पिता, वहां आना और जाना, आना और जाना। जब लाख वर्ष की आयु पूरी हुई तो ये सब जाने लगे सब। तो निरंजन भगवान ने सोचा कि मेरी तो मेहनत सब बेकार हो जाएगी, ये सब चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन अपनी शक्तियां पैदा की और उनको जब जन्म दे दिया तो आदेश दे दिया कि चले जाओ घोर जंगल में तपस्या करो। तो ये लोग चले गए, 20,000 बरस तक तपस्या की। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो उनको देववाणी सुनाई दी, निरंजन भगवान ने चारों वेद लिखे भोज पत्र पर, जो मैं बोलूं सब लिखते जाओ। वो जो कुछ बोलते गए वो सब लिखते चले गए। तो 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1,00,000 श्लोक है, पूरा विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सब मनुष्यों को सुना दो कि पूरा पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, चार खानों का, 84 लक्षणियों का और नौ स्वर्ग का और नरक का सब विधान बन गया। सबको आजादी दी जाती, जो भी जो कोई कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा सब अपना अपना सबको भोगना है, ये सब लिखा गया। आपको सुना दिया और तिथि तारीख रख दी कि इस तिथि तारीख के बाद जो कोई भी अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा सब अपना अपना भोगना पड़ेगा। बस तिथि तारीख निकल गई, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी न्याय कभी अन्याय, कभी सत्य कभी असत है ये आपने जो कर्म। पहले तो कोई बुरा करता ही नहीं था, कितने युग बीत गए उसके बाद एक बुरा हो गया, फिर कितने युग बीत गए तो दो बुरे हो गए, फिर कितने मतलब चार बुरे हो गए, धीरे 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 धीरे। तो दोनों की गंदगी, अच्छे की भी गंदगी, पाप की भी गंदगी, पुण्य की भी गंदगी, ये सब गंदगी जमा धीरे धीरे अंतर में, बहुत बड़ा आकाश उसमें जमा होने लगी। जब धीरे धीरे जमा होते होते आकाश मटमैला होने लगा तो आंख से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई और नाक से कम यानी सूंघने को मिलने लगा। तो धीरे धीरे कोई ज्यादा आपसे बुरे काम बन गए होंगे तो जैसे बादल काले आते हैं चट्टान लगा करके सामने खड़े हो गए, ऐसे ही काली चट्टान यानी काले पर्दों की सामने जमा हो गई। तो आंख बंद हो गई, कान और नाक, तो जीवात्मा एकदम अंधकार में गिर गई। तो आपका आधार छूट गया, नाम छूट गया, सब छूट गया, बाजे छूट गए, देववाणी छूट गई, आसमानी आवाज छूट गई, कलमा छूट गया, अंधकार में गिर गए। बस अब आप रास्ता जंगल में यानी भटक गए, तो अच्छा करो, पाप करो, पुण्य करो, बस यही पर फिर मतलब है चार खानों में, 84 रचियोनियों में फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर पाप किया, पुण्य किया, फिर चार खानों में चले। जब से जीवात्मा आई अभी तक आपने वापस नहीं, अपने घर में नहीं ले जा सके, यही बस बराबर यही पर पाप पुण्य चार खानों में, 84 रचियोनी नरकों में, फिर कितने युगों के बाद मनुष्य शरीर मिले, फिर इसी में आप पाप पुण्य में फंस गए। ये जीवात्मा अभी तक नहीं वापस गई, तो आपको क्या करना उसको समझ लो। इधर देखो, अब तीन चीजें मैं आपको बताता हूं, पहला भजन, दूसरा ध्यान और तीसरा स्मरण। समझ लोगे आप, भजन कर लोगे जल्दी जीवात्मा जाग जाएगी, नहीं समझोगे कितने युग और भी जाएंगे और ये मनुष्य शरीर तो फिर मिलना ही नहीं। तो पहले समझ लो, मेरी तरफ इधर देखो, कानों के सुनने का नाम है भजन, आंख से देखना इसको कहते हैं ध्यान, और सुमरण यानी नाम लेना, रूप को याद करना, ये कहते हैं सुमरण। तीनों चीजें अलग है, सुमरण अलग है, ध्यान अलग है, भजन। इधर देखो, शरीर में एक कान इधर एक कान इधर, कितने कान हुए? जोर से बोलो, दो हो गए कान। इधर देखो, शरीर में एक आंख इधर एक इधर, कितनी आंख हुई? दो आंख हो गई।
शरीर में एक नाक इधर, एक नाक इधर, कितनी नाक हुई? दो नाक हो, तो दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में। अब मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग दरमियान में बैठी हुई, उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में दो कान, कितने कान हुए? तीन कान हो गए। फिर बोलो कितने कान? तीन कान हो गए। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक आंख और शरीर में दो आंखें, कितनी आंख हुई? कितनी आंखें हुई? तीन आंख हो गई। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक नाक और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई? कितनी नाक हुई? तो आज आपको ये पता चल रहा कि तीन आंख है, तीन कान है, तीन नाक। पहले तो किसी ने नहीं बताया, दो आंख दो कान दो नाक शरीर में, एक आंख एक कान एक नाक जीवात्मा में। जब ये सतलोक में थी तो इसमें कुदरती आंख कुदरती नाक कुदरती कान, वहां इसमें कुदरती थे, जब इस पर कोई भी पर्दा नहीं था, किसी तरह की गंदगी का पर्दा नहीं था, तो ये आंख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली हुई थी, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब ये पर्दों के अंतर्गत आई तो फिर इसमें तीन आंख तीन कान तीन नाक हो गए। अब तीन आंखें तीन कान है तीन नाक है, तो अब दो आंख और कान और नाक शरीर में और एक आंख एक कान एक जीवात्मा में, तो भजन कैसे करोगे उसको समझ लो। दिन में काम करना, खेती दुकान दफ्तर का पहले, शाम को बच्चों की सेवा करो। अब ये दो काम आपने अपने पूरे गृहस्थी में कर लिए, कोई काम नहीं रहा, तो सोने जब जाओ तो चारपाई पे बैठ जाओ और सोने के पहले 15 मिनट हमको समय दे देना भजन में, 15 मिनट हमको समय देना भजन में। कैसे भजन करोगे? सीधे चारपाई पे लेट जाना, ये अपनी दोनों आंखें बंद कर लेना, इधर देखो आप शरीर की दोनों आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां कपड़ा हटा करके धीरे से कान के अंदर डाल के दोनों कान बंद कर लेना, आंख भी बंद कान भी बंद, न बाहर से देखना न बाहर से सुनना, 15 मिनट न आंख खोलो न कान खोलो, इधर देखो ऐसे, इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच, इसमें एक कान है, जीवात्मा में एक कान है, इस जीवात्मा के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों चारों तरफ बैठे हुए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। आपको क्या करना है कि आंख बाहर की बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां कान के, इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें एक कान है, तो जीवात्मा के कान का रास्ता अंदर से, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त, तो मन को बुद्धि को चित्त को यही रोक लेना, घर में झगड़े में दुकान में खेती में कहीं मत जाने देना, यही रोक करके आधे मिनट या रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। और इधर देखो ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर जीवात्मा के कान से सुनना, जितना ऊंचा ध्यान देकर सुनोगे उतना ही आपको साफ सुनाई देगा। जब आधा मिनट हो जाएगा तो कोई आवाज आपको सुनाई देगी, तो 14 मिनट लगातार जीवात्मा के कान से सुनना और ये पहचानना परखना, आवाज कैसी हो रही, आदमी कैसा बोल रहा, चिड़िया कैसी बोल रही। जब समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाओ, सुबह उठना, दिन में अपना काम करो, बच्चों की सेवा। जब शाम को सोने फिर जाओ तो फिर हमको 15 मिनट फिर भजन में समय दे देना, सीधे चारपाई पे लेट जाना, ये बाहर की दोनों आंखें बंद, इधर देखो दोनों उंगलियां कान के अंदर डाल के, कान मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त, तो मन को बुद्धि को चित्त को यहाँ रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। इधर देखो ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके गौर से, यानी जीवात्मा के कान से सुनना, बहुत ध्यान देकर ऊपर की तरफ, तो ऊपर से आवाज आती हुई आपको सुनाई देगी। आज से कल आपको तेज आवाज सुनाई देगी, समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाना, सुबह उठो
अपने जो भी काम करते हो दिन में सब काम करो बच्चों की सेवा, शाम को जब सोने का समय हो तो फिर 15 मिनट हमको समय दे देना, सीधे चारपाई पे लेट जाओ, ये दोनों आंखें बंद, दोनों उंगलियां कान में डाल के कान बंद कर लो, इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित या रोक करके जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देके सुनना। दोनों दिनों से तीसरे दिन तेज आवाज सुनाई देगी, जब समझ लो 15 मिनट हो गए तो छोड़ देना, सो जाना। सुबह उठो, अपने काम करो, बच्चों की सेवा 4 दिन 8 दिन 12 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने रोज प्रतिदिन हर रोज दर रोज नागा मत करना, 15 मिनट का समय तुम रोज देना चारपाई पे लेट कर, मेरी तरफ देखो, सीधे लेट जाना आंखें बंद, ये दोनों गुलियां कानों में डाल के कान बंद कर लेना, ये जीवात्मा बैठी हुई है इसमें कान है एक, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित या रोक कर कानों के साथ ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर आप गौर से सुनना। 20 दिन के बाद 1 महीने के बाद गाने और बाजे सुनाई देने लगेंगे, नशा मस्ती आप पर जोर की चढ़ेगी, जब नशा चढ़े मस्ती चढ़े तो बाबा जी की बात को याद रखना, किसी से कह मत देना कि मैं ऐसे गाने और बाजे सुनता हूं, मैंने दुनिया में ऐसे गाने बाजे कहीं नहीं सुने। जब आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, तो क्या करना, छुपा लेना, हजम करना, किसी से मत कहना, और क्या करना, 15 मिनट और बढ़ा दे, 30 मिनट कर देना, सीधे चारपाई पे लेट जाना, दोनों आंखें ये 30 मिनट के लिए बंद रखना, ये दोनों उंगलियां कानों में डालकर इस तरह से कान बंद कर लेना, बाहर की कोई आवाज अंदर मत जाने देना, जो ऊपर गाने और बाजे जीवात्मा के एक कान से सुनाई देते हैं उनको सुनते 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 उनको सुनते सुनते धीरे धीरे लय हो, उनमें मिलो, तो बहुत तेज आवाज आएगी, एकाएक बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, हजम नहीं कर सकते हो, सहन नहीं कर सकोगे, बहुत तेज आवाज, इतनी आवाज यहां किसी चीज पर नहीं है, इतनी तेज आवाज आएगी तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, महीने का लग जाए, 1.5 महीने का लग जाए, 2 महीने का, बहुत तेज आवाज, धीरे धीरे जैसे मिश्री का ढेला पानी में डाल दो तो धीरे धीरे घुलता है, ऐसे धीरे धीरे सुनते 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 लय हो रथ हो उसमें मिलो, जैसे मिलोगे रथ होगे तो आवाज हजम होने लगेगी, बर्दाश्त होने लगेगी, बहुत नशा बहुत मस्ती चढ़ेगी, जब उठोगे तो ऐसा समझोगे कि आधा सेकंड हुआ, कभी कभी ऐसा हो जाएगा 2 घंटे भी हो जाएंगे, सुनते सुनते आनंद ले नशा मस्ती चढ़ जाएगी, तो फिर 2 घंटे के बाद जब उठोगे तो ऐसा मालूम होगा 1 मिनट हुआ, घड़ी देखोगे कि मैं 6 बजे यानी भजन पर मैं बैठा था और 8 बज गया, 2 घंटे हो गए, ऐसा मालूम होगा 1 मिनट हुआ, ऐसा नशा ऐसी मस्ती चढ़ेगी। बस इतना ध्यान रखना, किसी से कहना नहीं, जैसे ही तुमने कह दिया ऊपर बैठे बंद कर, जैसे बटन बंद करते हैं तो बिजली बंद हो जाती है, ऐसे ही फट से बंद कर देंगे तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा, समझ लो, हजम करना, छुपा लेना, स्त्री पुरुष से नहीं, पुरुष स्त्री से नहीं, बच्चे माँ बाप से नहीं, माँ बाप बच्चों से नहीं, दोस्त दोस्त से नहीं, किसी से मत कहना, हजम कर लेना, इसको कहते हैं भजन, सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम बोलो, सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम भजन, ये जो महोत्सव गाना गाते हो
और हाथ से कोई बाजा बजाते हो, इसका नाम भजन नहीं है, ये उस अघट भजन की नकल है। तो आप लोगों ने नकल भी छोड़ दी, तो असल मिलने वाला तो है ही नहीं, आप मिलेगा ही नहीं। अभी 2 मिनट भजन कराऊंगा तो आपको ये अनुभव कराऊंगा कि ऊपर से आवाज आ रही है, आपको सुनाई देगी। लेकिन दूसरा ध्यान समझ लो, दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं आंख से देखना। कैसे ध्यान करोगे? 24 घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए, जब आपको दिन में समय जमीन में तखत पर मिल जाए, कुर्सी पर, तो ऐसे बैठ जाना और हाथ और बदन हिलाना नहीं, ऐसे ये आंखें बंद कर लेना। इधर देखो, शरीर की दोनों आंखें बंद, ये बीचों बीच में जीवात्मा बैठी है, उसमें एक आंख है, तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, ज्ञान दृष्टि है। तो बाहर की शरीर की आंखें बंद हो जाएंगी तो अंदर की तीसरी आंख से सामने दूर देखना, अपनी आंख को हिलाना नहीं, ऐसे एकाग्र करना, तो आपको मालूम होगा कि अंधेरा है। उसी अंधेरे में जरा सी आधा सेकंड आंख को रोकना तो काला तिल आ जाएगा, उसी काले तिल पर अपनी आंख को धीरे धीरे जमाना। आधा सेकंड होगा उस पर आंख रुकेगी तो ठीक उसके पीछे, यानी एक छोटा सा जैसे जुगनू चमकता है, बंद होता है चमकता, ऐसे प्रकाश बंद होगा चमकेगा, बंद होगा चमकेगा। जब समझ लो कि 5 मिनट पूरे हो गए तो आप छोड़ दीजिए, फिर जब दूसरे दिन जब आपको समय मिले अपनी सुविधा के अनुसार, तो 5 मिनट आप इस तरह से जमीन में चौकी पर पंथी मार के कुर्सी पर ऐसे बैठ जाना, फिर हिलना डुलना नहीं, ये आंखें बंद कर लेना। और ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र, ज्ञान दृष्टि है, शिव दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है इधर, तो अंदर की आंख से सामने, ऐसे हिलाना नहीं, ऐसे नहीं। ये मन बुद्धि चित्त, इधर देखो, इसके चारों तरफ, तो मन को बुद्धि को चित्त को यही आंख के साथ रोक करके अंदर की आंख का रास्ता अंदर से सामने सीधा दूर देखना। जब मन बुद्धि चित्त रुकेगा, ठहर जाएंगे, साथ देंगे, तो आंख ऐसे रुक जाए, खड़ी हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो अंधेरे में फिर काला तिल आ जाए, उसी तिल के ऊपर अपनी आंख को रोक के रखना, तो आज से कल आपको बड़ा और तेज प्रकाश, ऐसे जब 5 मिनट पूरे हो जाए छोड़ दे। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन और 1 महीने और 1.5 महीने रोज 5 मिनट का समय देते जाना, ऐसे हिलना डुलना नहीं, ये आंखें बंद, ये बीचों बीच में तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, ज्ञान दृष्टि, शिव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये अंदर में है, सामने सीधा अपने आप को ऐसे एकाग्र करना। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आंखों के सामने का सब अंधेरा चला जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, सूरज से ज्यादा प्रकाश। चारों तरफ ऐसे मत देखना, नहीं आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली प्रकाश दिखाई देगा। तो क्या करना, 5 मिनट और बढ़ा देना, 10 मिनट कर देना, और अपनी आंख को उसी प्रकाश जो सामने दिखाई देता है ऐसे देखना, ऐसे आंख को एकाग्र करना, खड़ी करना, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी आंख प्रकाश में चली गई। जैसे ही अंदर आंख गई तो एक बहुत बड़ा आकाश प्रकाश, छोटा मोटा आकाश नहीं, चम चम चम, ये जो कोना चमकता है, बिजली चमकती है, कुछ नहीं उसके सामने, बहुत बड़ा आकाश, ये छोटा मोटा आकाश नहीं, किताब में लिख नहीं सकते हो, ऐसा बड़ा चम। तो आंख आपकी बंद हो जाएगी, वो प्रकाश रोशनी लाइट सहन नहीं कर सकती है, ऐसी चमक उसमें है। तो धीरे धीरे कोशिश करना कि खुले खुले की बंद हो जाए, खुले की बंद हो जाए, वो आंख रोशनी को धीरे धीरे बर्दाश्त करेगी, सहन करेगी, क्योंकि बहुत दिनों की छूटी हुई रोशनी प्रकाश है। धीरे धीरे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दामिन दमक रही घनमाई, आकाश में यानी चमक रही है बिजली,
इतनी तेज खलगी प्रीत यथा सुनना है, बहुत तेज रोशनी। वो कहते तो असल में चीज धीरे धीरे सहन होगी, उसमें महीनों लग जा, डेढ़ महीना लग जा, धीरे धीरे सहन होगी, ऐसे नहीं, धीरे 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 धीरे। लेकिन जरा सी अगर आपकी यानी 60 हिस्से सेकंड के कर दिया जाए और एक हिस्सा भी ऐसे खड़ी हो गई, तो उतने ही में बड़े बड़े रूप चेहरे आपको दिखाई देंगे, सुंदर खूबसूरत, तो एकदम नशा चढ़ेगा, मस्ती आएगी, आगे तर हो जाएगी और तुम छलांग मारोगे कि मैं ऐसी सुंदर सुंदर चीजें देखता हूं, मैंने दुनिया में नहीं देखी। तो आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे वो बंद कर देंगे, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या करना, हजम करना, बाबा जी की पहले बात याद रखना, क्योंकि हमको तो मालूम है कि दिखाई देगा तुम पर नशा चढ़ेगा, मस्ती चढ़ेगी, सुनाई देगा तुम पर नशा और मस्ती चढ़ेगी तो तुम चिल्ला पड़ोगे। उससे जो जानता नहीं है वो ऐसे भद्दे शब्दों को प्रयोग करेगा, है मूर्ख, है पागल, ऐसी ऐसे शब्द कटवे कड़ू बोलेगा कि आपको आग लग जाएगी। अरे उसे क्या मालूम। तो यह गोपनीय है, यह रहस्य है, आत्मा परमात्मा का छुपा के रखो, इसको कहते हैं ध्यान। देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम है। बच्चों चुप करो, इनको बच्चे बोले ना पा। देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, देखने का नाम, और सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम और देखने का नाम, ये दोनों चीजें सबके पास है। तीसरी आंख भी पास तुम्हारे पास, तीसरा कान भी तुम्हारे पास, तीसरे नाक भी तुम्हारे पास, और जिसमें जीवात्मा बंद है वो दरवाजा भी तुम्हारे पास। अब बताने वाला चाहिए जिसका दरवाजा। बच्चे सुना, अपनी चारपाई के बाबा जी का आश्रम मथुरा, कहां पर है आश्रम? मथुरा में। इस किराए के मकान का नाम तुलसीधाम। दो बच्चे आपको ये दिए, सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। मेरा नाम नहीं है ना आपका नाम, ये उसका नाम, उसका नाम है। तो आपको कोई शंका करने की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है? ये बताएंगे, रुक जाओ।